हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्राइट ब्यूटी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फेस पैक। हाँ गाइज, मैं अपना फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपना डेली स्किन केयर रूटीन में जो डेली फॉलो करती हूँ वो फेस पैक मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बस मैं अभी अपना मेरा टाइम हो ही रहा था अपना फेस पैक अप्लाई करने का, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ मैं ये वीडियो, ताकि आप लोगों को भी कुछ इसके फ़ायदे मिले, कुछ इससे आपके फेस में कोई प्रोग्रेस हो। तो बेसिकली मैंने आपको काओलिन क्ले के बारे में पहले रिव्यू दिया है, तो वो आप मेरे, अगर आप नए हैं मेरे वीडियो में तो आप मेरे चैनल में जाके काओलिन क्ले पे इसका रिव्यू आप देख सकते हैं। और इसका मैंने बता रखा है ये हमारे लिए एक किस किस चीज़ के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, जैसे हमारी स्किन में डर्ट, इम्प्योरिटी एंड डेड सेल्स को रिमूव करना, हमारे पिंपल्स, एक्ने एंड सभी के जो भी निशान हैं उन सबको रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है काओलिन क्ले। तो जैसा कि आप मेरे फेस में देख रहे हैं आजकल काफ़ी पिंपल्स हो गए थे, तो मेरे जो निशान हैं उनको रिमूव करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो इस वजह से मैं इसको आजकल के मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो करती हुई आ रही हूँ। तो पिंपल्स तो मेरे हो ही जाते हैं गाइस, क्योंकि मैं ऑयली इतना खाती हूँ कि मेरे पिंपल्स हो जाते हैं, बट अब मैं थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ, तो आगे से आप मेरे फेस पे पिंपल्स कम देखेंगे। तो हम यहाँ पे काओलिन के लिए यूज़ करेंगे, और हाँ चंदन पाउडर भी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। हम यहाँ पर चंदन पाउडर यूज़ करेंगे, मैंने अपने यहीं आसपास के स्टोर से ले रखा है ये। आप चाहें तो आप इसे, अगर आपके आसपास के स्टोर्स में मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। तो इस टाइप के चंदन पाउडर और काओलिन क्ले, और आपको चाहिए डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर यूज़ करिए, नहीं तो आप कोई भी डिजिटल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन तीन चीज़ों से मैं अपना फेस पैक बना के और डेली स्किन केयर रूटीन में इसको फॉलो करती हूँ। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे इन तीनों को मिलाकर ऐसा पेस्ट बना लिया है, तो आप इन तीनों को मिला लीजिए और ऐसा पेस्ट बना लीजिए। तो मैंने ये पेस्ट बना लिया था पहले ही, तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं आप लोगों से इसका वीडियो भी शेयर करूँ, तो मैंने ये फेस पैक बना रखा था, तो मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर लेंगे। चंदन पाउडर के फ़ायदे तो आप लोग जानते ही हैं, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। तो चंदन पाउडर आप ज़रूर यूज़ कीजिए अपने फेस पैक में। अगर आपके पास काओलिन क्ले नहीं है तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। इस फेस पैक से क्या होगा, आपके जितने भी पिंपल्स या एक्ने के जितने भी मार्क्स रह गए हैं वो ये रिमूव करेगा ही, साथ में जो भी आपकी डेड सेल्स है उनको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और आपकी स्किन को काफ़ी शाइन एंड स्मूथ बनाने की और कोशिश करेगा मतलब बनाएगा आपकी स्किन को काफ़ी शाइनी और स्मूथ बनाएगा। तो इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लें, और 10 टू 20 मिनट इस फेस को अपने फेस पे ऐसे ही लगाए रखें। और उसके बाद अपना कोई भी आप वार्म वाटर से अपना फेस वॉश कर लें, या कोई भी कपड़ा ले लें कॉटन का, या वाइप्स ले लें उससे रिमूव कर लें जिससे आप कंफर्टेबल हो। सो गाइज, मेरा यहाँ पे फेस पैक लग चुका है, और
ये फेस पैक ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ही यूज़ कर सकती हैं, इसे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये बॉयज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि स्किन तो सभी की एक ही जैसी होती है। इसे बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ और आप लोग करना भूल जाते हैं यार। मैंने क्या किया था, फेस पैक लगाने से पहले, हाँ मैं आपको बताना भूल गई, मैंने फेस पैक लगाने से पहले अपने जो डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर है इससे अपने फेस की टूनिंग कर ली थी। एंड उसको ड्राई होने के बाद मैंने, जो मेरी स्किन में वो एब्जॉर्ब हो चुका था, उसके बाद मैंने अपना ये फेस पैक अप्लाई किया। तो आप टूनिंग ज़रूर कर लें अपने फेस की, देन अप्लाई करें अपने फेस पे फेस मास्क। तो मिलती हूँ मैं आपसे 10 to 20 मिनट बाद। गाइज, यहाँ पे ये पूरी तरह ड्राई हो चुका है और मेरे को 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब इसे मैं एक टॉवल की हेल्प से, वेट टॉवल है ये, इसकी हेल्प से मैं इसको रिमूव करूँगी। आप देख सकते हैं मेरी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लोइंग दिख रही है। इससे क्या होता है, हमारी स्किन बिल्कुल एकदम साफ और क्लियर दिखने लग जाती है। इस तरीके से रिमूव कर लेंगे और उसके बाद आप वाटर से फेस वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है, देख सकते हैं अब आप मेरी स्किन। अब मैं इसे एक क्लीन टॉवल की हेल्प से सारा वाटर पोंछ लूँगी एंड देन उसके बाद आप जो भी क्रीम अप्लाई करते हैं वो क्रीम आप अप्लाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ सीटाफिल, तो मैं इस क्रीम को अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे। गाइस, मैंने यहाँ पे अपना फेस पूरी तरह से पोंछ लिया है, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी अपनी सीटाफिल क्रीम। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी तो आप देख सकते हैं, मेरी काफ़ी सेंसिटिव स्किन है तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए। तो इस तरीके से आप अपना फेस पैक लगा सकते हैं। हाँ, और आप अपना फेस पैक अप्लाई करने से पहले अपना माउथ वॉश कर लें। माउथ वॉश करने, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं उससे अपना माउथ वॉश कर लें, देन उसके बाद टोनर अप्लाई करें और अपना फेस पैक बनाएं और इजीली अप्लाई कर लें अपने फेस पे। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर आऊँगी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।